अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला अलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की हमारी इस तकरीर का मौजू है इल्म। इल्म, 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 इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, यानी इल्म सीखो। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जानकारी, तजुर्बा, मालूमात। और हासिल करने का मतलब होता है सीखना, एक्वायर, जानकारी लेना, याफ्ता होना। और इल्म दो तरह के होते हैं, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म, रिलीजियस नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। दीन का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों ज़रूरी है, मगर दीन का इल्म पहले ज़रूरी है। इल्म रोशनी है और रोशनी के बगैर दुनिया अंधकार है, यानी जिंदगी अंधकार है। और कुरान का पहला शब्द नाजिल हुआ है इकरा, यानी पढ़ो, सीखो। और इल्म का हासिल करना हर एक मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज है, यानी ज़रूरी है। इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इल्म के बगैर दिल मुर्दा होता है, और दिल को ज़िंदा रखने के लिए इल्म की ज़रूरत होती है। जो इल्म का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इल्म वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से कभी घटती नहीं। इल्म वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, यानी कोई अंत नहीं। और कुरान कहता है अल्लाह जिसका भला चाहता है उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म, 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 इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। वाकरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।